अगर आपने हाल ही में अपना कंप्यूटर फॉर्मेट किया है तो हमें मोस्टली देखने मिलता है ऐसी कंडीशन में हमारा कंप्यूटर हो जाता है टोटल साफ। और ऑब्वियसली जब टोटल क्लीन हो जाता है हमारा सिस्टम तो उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। कई लोगों के पास बैकअप होता है और कई लोगों के पास कोई बैकअप नहीं होता, तो ऐसे लोग जिनके पास कोई बैकअप नहीं है उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। और मोस्टली जब भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है तो हम अलग अलग वेबसाइट्स में जाते हैं। जैसे अगर मुझे VLC डाउनलोड करना है तो VLC की वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है। फायरफॉक्स डाउनलोड करना है तो फायरफॉक्स की वेबसाइट में जाते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं, फिर उसे इंस्टॉल करते हैं। इसी प्रकार से जितने भी सॉफ्टवेयर हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करने होते हैं हम इंडिविजुअल एक एक वेबसाइट विजिट करते हैं, उन्हें डाउनलोड करते हैं एंड देन इंस्टॉल करते हैं। बट आज के वीडियो में मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा इसके थ्रू आपको सिर्फ एक सिंगल वेबसाइट विजिट करनी है और आपका काम ऑन द गो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों अगर आपका भी कंप्यूटर पूरी तरह से साफ हो चुका है इन दैट केस आपको जाना होगा गूगल क्रोम में। ऑब्वियसली आपके पास कोई ना कोई ब्राउजर होना चाहिए, और अगर आपके पास गूगल क्रोम भी नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एज से भी विजिट कर सकते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको आपके सिस्टम में हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट हमें विजिट करना होगा इस वेबसाइट को जो कि है 99.com। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने मिल जाएगा, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वेबसाइट का इंटरफेस देख सकते हैं, सिंपल इंटरफेस है, इंस्टॉल एंड अपडेट ऑल योर प्रोग्राम्स एट वंस। जैसे कि ये वेबसाइट कहती है आप पूरे के पूरे प्रोग्राम्स एक बार में एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड और अपडेट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें यू डोंट हैव टू वॉच फॉर अपडेट्स, आपको अलग अलग अपडेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें पूरे के पूरे अपडेटेड सॉफ्टवेयर ही आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे और ये किसी भी प्रकार की हैकिंग नहीं है। तो आप बिंदास होकर इसे यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लें। यहाँ हम देख सकते हैं कई सारी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, जितने भी वेब ब्राउजर्स ये प्रोवाइड करता है आपको यहाँ देखने मिल जाएंगे, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, एज, साथ ही मैसेजिंग एप्स पूरी लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, मीडिया के जो भी एप्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑडेसिटी यूज़ करते हैं यानी अगर आप ऑडियो मिक्सिंग करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर इजीली देखने मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर दिए हैं, यूटिलिटीज़ हैं जिसे कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर CD और DVD बर्निंग, और या फिर अगर आप चाहें तो अपने सिस्टम को किसी और को एक्सेस देने के लिए यूज़ कर सकते हैं TeamViewer का। डेवलपर टूल्स, जो डेवलपर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, इसमें आपको इजीली पाइथन, जावा, JDK और इस प्रकार से एक्लिप्स फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट, विजुअल स्टूडियो कोड फॉर एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, तो इस प्रकार से लगभग हर कैटेगरी के आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर देखने मिल जाएंगे, फिर चाहे वो जावा हो या फिर VLC प्लेयर हो। तो अब आपको जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए आप सिंपली उस पर सेलेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे मुझे चाहिए VLC, ओपेरा, .NET, ऑडेसिटी, WinRAR और बस अभी के लिए मैं यहाँ पर इन कुछ ही ऐप्स को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद हमें क्लिक करना होगा गेट योर 99। जैसे कि हम देख सकते हैं ये सेकंड स्टेप है गेट योर 99, क्लिक करेंगे गेट योर 99 पे और क्लिक करते ही आप देखेंगे हमारे पास एक छोटी सी एग्जीक्यूटेबल फाइल आ चुकी है जिसे हम बोल सकते हैं एक इंस्टॉलर फाइल है, और इसकी साइज़ है 415 KB, यानी कि बहुत ही छोटी सी फाइल है और ये आ चुकी है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं डाउनलोड, रन एंड शेयर। तो हमने डाउनलोड कर लिया, अब हमें रन करना होगा, शेयर करना ना करना ये आपके ऊपर है। क्लिक करेंगे इस फाइल पे, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इसका जो इंस्टॉलर है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हम देख सकते हैं प्रिपेयरिंग सेटअप। आफ्टर प्रिपरेशन ये जो टूल है ये ऑनलाइन जाके जो भी सॉफ्टवेयर आपने सेलेक्ट किए थे वो पूरे के इंस्टॉल कर लेगा। क्लिक करेंगे यस, और हम देख सकते हैं प्रिपेयरिंग सेटअप। तो इस प्रकार से अब हम देख सकते हैं डाउनलोड ओपेरा, क्रोमियम, तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं अब वो वन बाय वन डाउनलोड करेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता जाएगा। और आफ्टर इंस्टॉलेशन आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का स्टेटस आपको देखने मिलेगा, जो भी सॉफ्टवेयर आपने सेलेक्ट किए थे उन सभी का स्टेटस आपको साथ साथ यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इजिली एक सिंगल वेबसाइट में जाकर मल्टीपल सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो है आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट अगर आपके पास 99 की exe फाइल है भी तब भी आप इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और कुछ नया देखने मिला होगा। एंड ऑब्वियसली जिन्होंने कंप्यूटर फॉर्मेट किया है या फिर जिनका कंप्यूटर पूरी तरह से क्लीन हो चुका है उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।